में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। होम्योपैथी से भी संभव है चमत्कार, सुनने में अजीब है लेकिन मेरठ के एक होनहार होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने मेरठ से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को नई पहचान दी। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, दिन 21 अक्टूबर 2021। जहां पहले लोगों में ये भ्रांति थी कि होम्योपैथिक दवाइयों का देर से असर होता है, वहीं मेरठ के डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने अथक प्रयासों द्वारा होम्योपैथी इलाज पद्धति को एक नई पहचान दी। कृष्णा होम्यो क्लिनिक पर सभी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों का डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने होम्योपैथी द्वारा सफल इलाज किया है। सलाउद्दीन व लालाराम नामक व्यक्ति जो कि गुर्दे की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें बिना डायलिसिस बिना किसी बड़े अस्पताल में भर्ती किए ही केवल होम्योपैथिक दवाओं द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया, उनको बिल्कुल ठीक किया गया। इन मरीजों का सीरम यूरिया एवं सीरम क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था जो कि सिर्फ होम्योपैथिक द्वारा सामान्य हो गया। इनको किडनी की बीमारी थी, इनका यूरिया 315 क्रिएटिनिन 16 था। ये हमारे पास 16 अगस्त को आए थे, लगभग 15-17 दिन के ट्रीटमेंट में 1 सितंबर की रिपोर्ट में इनका यूरिया 32 और क्रिएटिनिन 0.9 आ गया है। बिना डायलिसिस के बिना हॉस्पिटल एडमिशन के होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से इनकी किडनी फेलियर रिकवर हो गया है और अभी बिल्कुल स्वस्थ है। इनका इलाज भी पूरी तरह बदल जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी किडनी फेलियर हुआ था और उल्टी दस्त की वजह से इनका यूरिया क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया था। क्या क्या इसमें प्रिकॉशन लेने पड़े इस तरह के केस को सही करने में? किडनी फेलियर में बेसिकली प्रोटीन डाइट हमको थोड़ा सा लिमिट करनी होती है। सेकेंड थिंग, हम जूसेस और इसमें लिक्विड डाइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कम नमक खाना ज़रूरी है, प्लस मेडिकेशन के साथ साथ परहेज का ये रोल है कि फ्रूट ज़्यादा नहीं खा सकते। इसमें हम से 4 फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों में से खीरा खा सकते हैं, ज़्यादा कच्ची सब्जियाँ नहीं खा सकते। धुली हुई दालों का हम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, छिलके की दालें हैवी होती हैं तो लाइट डाइट लेनी है, इसमें हैवी डाइट हम इसमें बना करते हैं। कितना पूरा समय लगा आपको पूरे ट्रीटमेंट करने में? इनका ट्रीटमेंट 14 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 11 सितंबर को इनकी दवाई आखिरी बार गई थी। 11 सितंबर दवा नहीं गई? हाँ, उसके इनकी मेडिसिन नहीं। क्या किडनी के ट्रांसप्लांट की भी अवॉइड किया जा सकता है, क्या तरीका है? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट प्लस कॉज ऑफ किडनी फेलियर। अगर किसी को किडनी फेलियर बीपी या डायबिटीज की वजह से हुआ है तो उसमें कई बार पेशेंट हमारे पास आता ही फिफ्थ स्टेज में है जहाँ पर कई बार ट्रांसप्लांट भी नेसेसरी हो जाता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि ट्रांसप्लांट से पेशेंट बच सके। सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक हम उनको डायलिसिस से बचा पाते हैं और ट्रांसप्लांट जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मतलब लास्ट स्टेज में आता है बिल्कुल डायलिसिस पे, तो कितना संभावना है उसको बचने की, मतलब उसे किडनी ट्रांसप्लांट ना करनी पड़े? इसी बात पर अभी हमारी जो प्रैक्टिस है, रिसर्च है, उसी चीज़ पर चल रही है कि हम जहाँ तक संभव हो सके ट्रांसप्लांट को अवॉइड कर सकें। लेकिन मैंने फिर कहा कि जैसे एडवांस केसेस आते हैं तो हमारा जो मतलब प्राइमरी फैक्टर है कि वो है कि पेशेंट डायलिसिस से बच सके। तो अगर कोई 5 क्रिएटिनिन या 6 क्रिएटिनिन या किसी का 100 के करीब यूरिया है, अगर वो विदाउट डायलिसिस कुछ मंथ्स भी रह पाता है या फिर मतलब एवरी डे अगर वो ठीक रहता है, उसके पैरामीटर्स ठीक है होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से, तो ये भी अपने आप में अच्छा इंप्रूवमेंट है। जो है पापा को किडनी में प्रॉब्लम आया था, वो का क्रिएटिनिन जो है जम कर गया था, 3.78 हो गया था और यूरिया 180 के करीब हो गया। लेकिन उसके बाद फिर किसी फ्रेंड ने मेरे रिकमेंड करा कि होम्योपैथिक दवाई से जो है काफ़ी अच्छी रह रही है और आगे भी बोल रहे हैं कि ये भी बंद हो जाएगी। अब जो है नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल शिफ्ट है कि 1.4 आ गया बाबा क्रिएटिनिन। कोई डायलिसिस कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हुआ है? बस होम्योपैथिक दवाई उसको बेस्ट है और खर्चा बहुत कम है, बहुत कम खर्चा इसका। ऐसा नहीं कि आदमी के कपड़े उतर जाएं और कहीं अगर जो वैसे दवाइयों का और जैसे अंग्रेजी दवाइयों से
डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए आपको पर्सनली क्या अनुभव हुआ? पर्सनली मेरा ये अनुभव है होम्योपैथी को हमें जरूर जो है इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे मेरे पास अटैक मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, और साथ में डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने हमारे और टाइम में काफ़ी जो है मदद करी है हमारी, मेंटली सपोर्ट बहुत करा। थैंक यू। आपका नाम बताइए। क्या दिक्कत क्या थी आपको? यही थी बीमारी थी। क्या बीमारी थी? किडनी की बीमारी थी। किडनी की बीमारी थी, कितने समय से बीमारी थी? अभी हुई थी ज्यादा दिन। कितने दिन, कब से, कितने महीने बता दो। अच्छा, अच्छा फिर डॉक्टर साहब ने कितने दिन इलाज किया आपका? डेढ़ महीने इलाज किया। आप दवा खा रहे हैं? अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे ट्विटर चैनल NTV लाइव वेब न्यूज पर।